ऑफिस से दोस्तों आज जो सुनने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से संबंधित है। आप सभी को अपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जमा करानी होगी, उसके साथ साथ ही दोस्तों HRMS आपका कंप्लीट अपडेट होना चाहिए टिल टू डेट। और उसके साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात है साथियों, वो हमारी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न और हमारे जो फैमिली आईडी से संबंधित है। और दोस्तों इससे संबंधित डिपार्टमेंट्स ने जो है लेटर भी सर्कुलेट कर दिया गया है कि जिन कर्मचारियों की फैमिली आईडी और एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न अपडेट नहीं की है वो दोस्तों उनकी सैलरी रोक दी जाए। तो दोस्तों ये हम सारी डिटेल आपको आज वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों देखिए हम चलते हैं इंटर हरियाणा पर। दोस्तों हमने ये HRMS एम्प्लॉय पोर्टल जिसको हम इंटर हरियाणा के नाम से जानते हैं ये हमने ओपन कर लिया है। और यहाँ से ओपन करने के बाद साथियों आप यहाँ देखेंगे हमारे नीचे की तरफ लॉगिन आईडी पासवर्ड शो होंगे। तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पर जाना है और आपको यहाँ से आईडी पासवर्ड डालने के बाद जो ये कैप्चा दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, इस कोड पर हमें क्लिक करना है 87478। तो दोस्तों हमने ये कैप्चा डाल लिया है और आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद साथियों हमारा जो होम पेज है इंटर हरियाणा पर वो ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आपके सामने उसका नाम और डेजिग्नेशन आपके सामने शो हो जाएगा कर्मचारी का। और आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, वो लिंक्स हमें ध्यान से देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर तरफ एक लिंक हमारे पास आया हुआ है ओनर पर्सनल डिटेल ई सैली सर्विसेज। और आप राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं यहाँ लीव पेंडिंग फॉर अप्रूवल, कोई लीव पेंडिंग नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे जो योर लीव पेंडिंग ये भी कोई पेंडिंग नहीं है। और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिशन पेंडिंग, आप देख सकते हैं यहाँ कोई पेंडेंस नहीं है। हमने जो अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न थी वो कम्प्लीटली सबमिट करा दी है। और साथ साथ दो HRMS का जो डाटा था वो आप यहाँ से देख सकते हैं, सर्विस वेरिफिकेशन, लीव्स, प्रमोशन, ACP, ACR, फैमिली पनिशमेंट, ये सारी डिटेल्स हमारी कंप्लीट है, इनके सामने कंप्लीट लिखा हुआ है और 100% कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे हमें एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न या दोस्तों वो हमारा फैमिली आईडी है वो हम यहाँ से कैसे अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न पर यहाँ क्लिक करना होगा। और एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि 19-20 है। और उसके बाद साथियों यहाँ से हम अपना जो फाइनेंशियल ये आप देख सकते हैं एंटर डेजिग्नेशन डूइंग द फाइनेंशियल। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं नीचे तरफ एक नोट लिखा हुआ आ रहा है रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड फॉर दिस ईयर, क्लिक हियर टू लिंक डाउनलोड। तो दोस्तों मेरे जो रिटर्न है यहाँ इस कर्मचारी का वो ऑलरेडी हो चुका है 19-20 का। और उसके साथ जो फैमिली आईडी जो हम आपको बताएंगे उसके नेक्स्ट जो स्टेप होगी फैमिली आईडी की वो हम आपको बताएंगे किस तरह से फैमिली आईडी को हमें अपडेट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको फैमिली आईडी अपडेट करना बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।